थे। आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोयला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है, लेकिन चुप और बहुत सारी चीजों में रहे महोदय। 2005-6 में यूपीए की सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 2005-6 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है, लेकिन ये चुप थे। 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, इनकी तब सरकार थी, कि स्वच्छता ना होने की वजह से देश की जीडीपी पर 6.4 का नेगेटिव इंपैक्ट है। ये चुप रहे। महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। 2019 तक 100% कवरेज हुआ, 110 मिलियन टॉयलेट। ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी, शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहां उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं। आज मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलात्कार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस नित अलायंस के, कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत माँ की हत्या की बात हो तो ये यहाँ पर तालियां पीटे। ये कांग्रेस का लक्षण है। इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से, हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी। और शायद सच भी है, इनका अपना अनुभव है कि इनके यहाँ पावर का केंद्र बिंदु एक था। यहाँ पर फर्क यह है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागीदार हैं। इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावत जी के मंत्रालय की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था होती है, तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूँ जितना कि प्रधानमंत्री जी का। जल जीवन मिशन महोदय, हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र 3 करोड़ परिवारों तक नलके से पानी पहुंचता था। अब 2019 का आंकड़ा कहता है कि आपने तब तक 9.5 करोड़ तक पानी पहुंचाया और अब लगभग 19.40 करोड़ और 12.40 करोड़ तक आपका पानी नलके से पहुंच चुका है।